मॉर्निंग। हमने साइकस की पिछली बार में लीफ के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रेक्स की संरचना के बारे में पढ़ा था। तो रेचेस जो होता है उस लीफ का मिडिल पोर्शन होता है और इसके दोनों तरफ लीफलेट लगी रहती है। तो लीफलेट रेचेस वाला पोर्शन इस तरह से, और यहाँ लीफ। आज लीफलेट की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो लीफलेट जो होती है संरचना डिपेंड करती है स्पीसीज पर। इस तरह की संरचना, इसके दोनों किनारे फ्लैट होते हैं और सेंटर में ये मोटी संरचना पाई जाती है। सेंटर मिडिल पोर्शन यहाँ है, यहाँ पर इसमें वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और यहाँ पर ये इसमें लिंक्स जैसी संरचना ये पास। साइकस रिवोल्यूटा वहां पर इस तरह से मुड़ी हुई संरचना होती है और इस तरह से सेंटर में यहां पर वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। जब हम इसका सेक्शन काटते हैं लीफलेट का, तो सबसे बाहर क्यूटिकल की लेयर, और इसके नीचे अपर एपिडर्मिस टिश्यू, एपिडर्मिस के नीचे इस तरह से स्क्लेरोकाइमेटस, थिक लेयर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस टिश्यूज होते हैं। दो से तीन लेयर, तीन चार लेयर होती हैं इसकी। हाइपोडर्मिस इसके नीचे पेरिसेट टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, लंबी इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं पेरिसेट टिश्यू की, और क्लोरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं मिडिल पोर्शन जब अपन सेक्शन काटते हैं। उसके बाद यहाँ पेरिनकाइमेटस और सेंटर में वैस्कुलर बंडल, इन वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये बंडल सीट पाई जाती है, बंडल सीट पाई जाती है। इसमें इस तरह से डिप्लोजाइलिक कंडीशंस होती हैं, जाइलम दो तरह का, सेंट्रिपिटल जाइलम एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम,
इस तरह ये सेंट्रिपिटल जाइलम, नेक्स्ट सेंट्रिफ्यूगल जाइलम और फ्लोएम टिश्यू इस तरह से यहां पर प्रेजेंट होता है। इसके फास्ट में यहां पर लेटरल साइड में यहां पर ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट होंगे और नीचे लोअर एपिडर्मिस क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। यहां नीचे की साइड में इसमें जो एपिडर्मिस होती है वो रेगुलर होती है और यहां पर इसमें सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। स्टोम स्केलेटल काइमेटिक टिश्यू हाइपोडर्मिस लोअर एंड अपर साइड में इस तरह से लंबी लंबी ऐसी सारी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की गोल गोल सेल्स यहां पर ये प्रेजेंट होती हैं। इस तरह की एक संरचना जब अपन सेंट्रल पार्ट से अपन काटते हैं तो लीफलेट की साइकस में पाई जाती है। सबसे ऊपर क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, इसके नीचे हाइपोडर्मिस, क्लियर। हाइपोडर्मिस के नीचे यहां पर ये पैलिसेड टिश्यू साइड में यहां पर ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और ये पार्ट में बगल में इनको एसेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज कहते हैं क्योंकि यहां पर ब्रेन्स वगैरह नहीं पाई जाती तो साइड में जो सप्लाई होती है उसको ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ही सप्लाई करते हैं। सेंटर में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं या जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं उसके चारों तरफ एक बंडल सीथ प्रेजेंट होती है जिससे ये ढका है। यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये सेंट्रिपिटल जाइलम है और ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम। जाइलम बीच में कैंबियम होती है और फ्लोएम इसमें पाया जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस होती है वो डिप्लोजाइलिक कंडीशंस कहलाती है। लोअर एपिडर्मिस इसमें स्टोमा पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो धसे हुए होते हैं, सनकन होते हैं, यानी जीरोफिटिक कंडीशंस इसमें पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर कैल्शियम ऑक्सीजेट की क्रिस्टल्स भी यहां पर इसमें पाए जाते हैं। नीचे की तरफ ये गोल संरचना सेल्स होती है, क्लोरिन ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से जब हम इसको देखते हैं तो लीफलेट
जो सेंटर में मोटी होती है और इसमें वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, पार्ट्स में फ्लैट या राउंड घुमी हुई रिवोल्यूटा में पाए जाते हैं। इसमें मुख्य मुख्य जो लक्षण हैं, सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, उसके नीचे सिंगल सेल अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के नीचे स्क्विंकाइमेट सेल्स की हाइपोडर्मिस, और इसके नीचे यहां पर ये पैलिसेड टिश्यू पाए जाते हैं। सेंटर में वैस्कुलर बंडल्स, उनके चारों तरफ एक कवरिंग जिसको अपन बंडल सीथ कहते हैं वो पाई जाती है। जाइलम, ये तिकोना जाइलम, ये सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, यहाँ पर ये दो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम, बीच में एम्बियम प्रेजेंट होती है और यहाँ पर ये फ्लोएम पाए जाते हैं। तो दो तरह का इसमें जाइलम पाए जाते हैं, जो अपन कंडीशंस डिफ्लोजाइलिक कंडीशंस कहलाते हैं। यहाँ पर स्पार्स में वेन्स वगैरह नहीं होती, तो यहाँ पर ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं, और लेटरल साइड में एसेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पाए जाते हैं, जो पास में या बगल में फूड सप्लाई वाटर सप्लाई को करते हैं। नीचे की साइड में यहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है उसमें संकर स्टोमेटा पाए जाते हैं, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, दो गार्ड सेल्स एंड दो एसेसरी सेल्स पाई जाती हैं। बीच में यहाँ पर ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की सेल्स पाई जाती हैं, और बीच में इसमें ये रेन्काइमा ईयर, क्योंकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, गैस का गैस वगैरह इनका ये एक्सचेंज। इस तरह की संरचना पाई जाती है लीफलेट की। तो यहाँ पर जो मुख्य चीज है प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, हाइपोडर्मिस, सनकन स्टोमेटा, बंडल सीथ, डिप्लोजाइलिक कंडीशंस, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज, ये इसमें मुख्य मुख्य जो ध्यान देने वाली चीज है। तो इस तरह से हम साइकस की जो एनाटॉमी थी वेजिटेटिव पार्ट वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो है आगे अपन इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।